तो हेलो यार, कैसे हैं आप लोग। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि आज हम अपनी बाइक का सेल्फ ठीक कराने जा रहे हैं। बहुत दिनों से ये घर में ऐसे ही खड़ी थी, तो इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है और मतलब किक मारनी पड़ती है यार। बहुत परेशान हो जाते हैं, कहीं भी ट्रैफिक में रुक जाते हैं फिर किक मारनी पड़ती है, थोड़ी मुसीबत हो जाती है। रुको, मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। एक मिनट। तो यार ये हमारी बाइक है बुलेट 500, ये ऑन हो चुकी है यार। हाँ न्यूट्रल है ये, और ये रहा इसका सेल्फ। तो यार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा सेल्फ। तो ऐसी आवाज जाती है यार, दिन हो गए कोई व्लॉग शूट नहीं किया, तो मैं सोचा कोई व्लॉग भी बन जाएगा और काम का काम हो जाएगा। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको वहीं पर, बाय। तो यार यहाँ तुम्हारा भाई नेशनल हाईवे पे पहुँच चुका है, और आप लोग यहाँ की ब्यूटी देख सकते हो। ये हमारा हिमाचल है, आप देख ही सकते हो कितना सुंदर और प्यारा सा है। मैंने बीच बीच में कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और बस ये सामने आपको नाहन दिख रहा है। हम नाहन पहुँचने ही वाले हैं, बस मैंने क्लिप ऐड किए हैं छोटी छोटी ताकि यार ज़्यादा बोर भी ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये है फ्रेंड्स आई लव सिरमौर, इसको सेल्फी पॉइंट बोला जाता है, और ये नाहन सिटी में है। और अभी आपको दिखेगा ये शिमला डाइवर्जन है जो नीचे को गया है, यहाँ से शिमला जाते हैं। बस अब थोड़ी ही दूर में शॉप है, शॉप के पास हम पहुँचने वाले हैं। तो यार आज गर्मी बहुत कुछ हद से ज़्यादा ही गर्मी है कुछ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। बाकी शॉप पे हम पहुँचने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा दूर रह गया। अब देखते हैं अभी यार सेल्फ ठीक होगा या नहीं, क्योंकि बहुत परेशानी होती है यार ट्रैफिक जाम वगैरह में। अगर बाइक बंद हो जाए फिर किक मारनी पड़ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो भी आपने देखा है पीछे रैनटाल गार्डन था, ये भी एक ब्यूटी प्लेस है नाहन का, बहुत अच्छा गार्डन है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे को जाता है शॉप का रास्ता जहाँ पे मैं आया हूँ, ये देख लेना आप अभी। तो यार दुकान पे तो हम पहुँच चुके हैं, अभी वो लड़का खाना खा रहा है, बस उसके बाद उसको बाइक दिखाते हैं। ये रही पीछे शॉप, आप देख सकते हैं, और ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पर। बस अभी वो लड़का खाना खा ले, फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक कर देंगे और फिर घर चलेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है। मौसम देखिए जरा, मैं मौसम दिखाता हूँ आप लोगों को। ओह माय गुडनेस, मौसम हबीबी। तो ठीक है यार, तब तक वेट करते हैं अभी जब तक वो खाना खा लेता है, उसको खाना खाने तो पहले, और बस फिर दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ सीन है आगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो यार काफ़ी लंबा वेट करने के बाद अब हमारी टर्न आई है शॉप पे। इससे पहले इस लड़के ने एक बाइक के शॉप पर फील किए हैं, अब ये हमारी बाइक का इंजन खोलने लग रहा है, क्योंकि जो सेल्फ की गरारी है वो इस साइड ही होती है। अब देखते हैं उसकी गरारी ख़राब है या बैरिंग ख़राब है, वो खोलने के बाद ही पता चलेगा। चलो तब तक देखते हैं। तो यार इधर ऑयल भी, इस साइड भी ऑयल होता है इंजन में, मतलब इधर भी सील किट पूरी डलती है इधर दोबारा। तो अभी देखते हैं कि अंदर क्या कुछ सीन है इसमें। तो एक्चुअली यार ये साइड खुल चुकी है, और ये जो बड़ा सा गोल सा आप देख रहे हैं इसको क्लच प्लेट बोलते हैं, और यहीं पे सेल्फ होता है साइड में, सेल्फ की गरारी भी यहीं पर होती है। तो यार चलो ओवरऑल वेट करते हैं, देखते हैं। बस हो गया, डन है। ये होता खराब इसका, इतनी सी चीज हो रही है, इतनी परेशानी। ध्यान से देखिए इस इंजन को कैसे खुला पड़ा है ये।
तो यार फाइनली घर पहुंच चुके हैं। ये हमारी बाइक खड़ी है, बाइक हमारी ठीक हो चुकी है, हमें आते आते रात हो चुकी है। तो चलो ठीक है यार, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अभी हम नहा धो लेते हैं। बाय बाय।